तो ये बड़ा ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। किस तरह से, ये मैं सबसे पहले बता दूं कि पहले तो ये उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या लेखपाल का हो या फिर कोई भी एग्जाम जो यूपी का होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं, मैं वन डे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जैसे ये पुलिस वगैरह और ये सब है, यूपी पीएससी वगैरह है, उनके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये तो बेसिक डिटेल्स हैं जो कि छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो पहले तो मैं ये बता दूं, इसमें मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं प्रश्न के उत्तर नहीं बताऊंगा, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं बताऊंगा, लेकिन आपसे बीच बीच में क्वेश्चंस का डिटेल, मतलब उसके मैं थोड़ा सा विवरण मैं आपसे जानूंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज्यादा, और वो ज्यादा कठिन नहीं होगा। सबसे पहली बात ये, कठिन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बस आपको बेसिक सा देना है जो कि नॉर्मली एक नागरिक, भारत के नागरिक को पता होना चाहिए, ठीक, बस इतना होगा। और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कोई भी हो आप, जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए और अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से लाभदायक होगी। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा कि किस तरह से जीके पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं और चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो अब जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की आबादी तो हमको पता है, तो हमारा देश कहाँ पर, कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और भारत है कहाँ पर, कौन से कॉन्टिनेंट में है? वो है एशिया में, ठीक है। हमें एशिया, हमें ये पता रहना चाहिए कि हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है, और हमारे कॉन्टिनेंट में मतलब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। तो भारत तो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर कौन आता है? चीन, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हमें जरूरी होनी चाहिए, तो एशिया में पूछे हैं, पूरे भारत, पूरे विश्व के नहीं, एशिया के तीसरे नंबर पर बताइए। तो एशिया में चीन भी आता है, चीन इसमें नहीं है, तो मतलब पहले नंबर पे तो वो हो गया। दूसरे पर है भारत, तो भारत भी नहीं है यहाँ पर, मतलब दूसरे पर ये हो गया भारत, लेकिन तीसरे पर कौन है? तो लेकिन देखो, इराक ही मिडल ईस्ट का है, और ये भी नहीं है, तो ये दोनों तो आप हटा दीजिए। अब देखते हैं कि ये बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक। तो ये रहा पूरा ग्राफ, तो चाइना नंबर वन, नंबर वन ये, नंबर टू इंडिया, नंबर थ्री पर इंडोनेशिया, नंबर फोर पर पाकिस्तान, और नंबर फाइव पर है बांग्लादेश, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? देखो, पहले तो हर देश में एक न्यायालय है ना, एक नहीं तीन तीन टाइप के होते हैं, जैसे भारत में है सबॉर्डिनेट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान इन दोनों देशों में हो गई, मतलब कोई भी एक कोई भी दिक्कत हो गई, दंगे वगैरह हो गए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, तो अब उसके लिए कौन न्याय देगा? तो ऐसे जैसे देशों के बीच जो हो जाते हैं, मतलब कोई भी केसेस वगैरह के, अब हम किस न्यायालय में जाएं, तो वो न्यायालय होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पूछा है कहाँ पर है, और या फिर हम कहें ये है कहाँ पर, तो ये है नीदरलैंड में, है ना, हेग, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये क्लियर पता रहेगा हमें कि नीदरलैंड में है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर दो देशों के बीच अगर कोई भी झगड़ा वगैरह हो जाता है, तो उनको सुलझाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। भारत और भारत की तरफ से 6 केसेस हैं, 6 केसेस अभी तक यहाँ पर गए थे, ठीक है, 6 केसेस ये यहाँ पर याद रखेंगे हम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से। लेकिन अच्छा, प्रायद्वीपीय क्या है? देखो, हमारा भारत है, मैं ऐसा ही एक रफ में बना लेता हूँ, जैसे ये मान लीजिए ये, ठीक है, मान लीजिए, तो ये तो हमारा उत्तर भारत हो गया, उत्तर भारत, ठीक, और ये प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, ठीक। ये हो गया हमारा, ये हो गया दक्षिण में, ये पूर्व में, और ये पश्चिम में, है ना। तो तीन तरफ से अगर ये घिरा हुआ है पानी से, तो ऐसा जो लैंड मास होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय,
ठीक है, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर, है ना, पेनिनसुला, पेनिनसुला, पेनिनसुला बोलेंगे। तो इस ये जो हमारे भारत का ये वाला हिस्सा है कि यहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी, है ना। उत्तर भारत की गंगा है, उत्तर भारत की है गंगा, और इधर की कौन सी है, ये गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात हमें पता रहनी चाहिए। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान है, सही मिलान है। तो ये देखिए, ये जो चारों दे रखे हैं, ये जो आर्टिकल 19 है उसके ये सब सेक्शन दिए रखे हैं, ए बी सी डी जो भी है, तो ई ए बी जी, तो ये सही हैं या नहीं, तो ये जानने के लिए पहली बात तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पता रहने चाहिए। मान लीजिए हम किसी के बारे में भी कुछ आजकल बोल देते हैं, सरकार के बारे में भी कुछ बोल देते हैं, हमें कुछ तो अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम कहीं भी बोल सकते हैं कि हाँ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा हो तब भी हम बोल सकते हैं, कैसा भी अपना व्यू हम रख सकते हैं ना? तो वो सब किस में आता है, आर्टिकल 19 के ए में आता है, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति हम वो कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है हमको, यही ये जो प्रेस होती है, प्रेस, तो उसको भी यही अधिकार होता है, इसीलिए ये सब बोल लेते हैं सरकार के बारे में, किसी के बारे में भी, ठीक। अच्छा, तो ये बाकी सब सही मिलान नहीं है, है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर सही कौन से हैं, ये रहे सही। देखो, आर्टिकल 19 का जो ए कहता है, वो कहता है कि आपको स्पीच मतलब और एक्सप्रेशन, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, ठीक, पहला ये। और बी, उसका सेक्शन जो बी है उसमें आप पीसेबली विदाउट आर्म्स यानी बिना हथियार के, है ना, आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन जैसे कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं किसी की भी हो सकती हैं, जैसे अभी जो फिलहाल हो रही है इलेक्शन में, तो इसमें क्या है कि आप कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वहां पर हथियार वगैरह नहीं ले जाएंगे, ठीक। आगे बात कर लेते हैं कि आप एसोसिएशंस कोई भी बना सकते हैं, है ना, यूनियंस बना सकते हैं अपनी अपनी, जैसे छात्रों का यूनियन बन गया, मजदूरों का यूनियन बन गया, तो ये आर्टिकल 19 के सी में आता है, तो आप बना सकते हैं ये सब। अच्छा, आगे हम बात करेंगे कि हम कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी हम घूम सकते हैं फ्रीली, हमें ये स्वतंत्रता है, कहीं भी घूम सकते हैं हम, ठीक। अच्छा, फिर आगे है कि कहीं भी हम रह सकते हैं, ई में आता है, और जी में आता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, नहीं, कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय है उसको आप कर सकते हैं, ये आपके कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ये वाला व्यवसाय नहीं कर सकते, आप कुछ भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फ्रीडम है, ठीक, आर्टिकल 19 के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जॉर्डन की राजधानी कौन सी है, जॉर्डन की अम्मान राजधानी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, हमें सारी राजधानियां, सभी देशों की राजधानियां, देशों की राजधानियां आपको मैंने पूरा जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन सबके जितने भी देश हैं उनकी राजधानियां आपको मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट है हमारी एग्जामिनर पे, एग्जामिनर प्लेलिस्ट डाल दीजिए कंट्रीज एंड कैपिटल्स तो आ जाएगी, वरना यहाँ पे आई बटन पे आपको दिखाई दे जाएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, ये 6-7, अच्छा 6-7 के क्वेश्चन है, ये फल में, फल में परिवर्तित हो जाता है अंडाशय, ठीक है, निषेचन के, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक, विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को, और ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो ये भारत में मनाया जाता है 14 सितंबर को, और ये विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। अब ये शुरू कब से हुआ था, 2006 से हुआ था, ठीक, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी भाषा का प्रचार करने के लिए हम मनाते हैं, 2006 से जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री तब से ये मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बताएं आप, भारत में क्यों मनाया जाता है, ये हिंदी दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है, ये आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो लगती है वो तो नेपाल से लगती है, इट मीन्स इंटरनेशनल बाउंड्री, तो वो है महाराजगंज। कितने ऐसे
जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, तो वो ये हैं। 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एंड महाराजगंज। तो महाराजगंज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 599.3 किलोमीटर के जो बाउंड्री है वो शेयर करता है यूपी नेपाल से। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। याद करने की ट्रिक है, अगर आपको BPL बनवाना है तो आप SMS कीजिए, B से हो जाएगा बहराइच, P से पीलीभीत, L से लखीमपुर खीरी, और B से बलरामपुर, ये सिद्धार्थनगर, ये श्रावस्ती, और ये हो जाएगा महाराजगंज। BPL बनवाना है तो SMS कीजिए। ठीक, ऐसे आप ट्रिक याद रख सकते हैं, क्योंकि इधर के जो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो गरीब हैं, तो यहाँ पे BPL कार्ड मोस्टली लोगों के होंगे, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, BPL बनवाना है तो आप SMS कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत, सिख विवाह समारोह की शुरुआत की, या उसको बोलते हैं आनंद कारज। ठीक, तो उसकी शुरुआत किसने करी, तो वो करी थी श्री गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरह होता है, आनंद कारज, ब्लिसफुल यूनियन बोलते हैं, ऐसे शादियां होती हैं। ठीक, तो जो शादियां होती हैं सिख धर्म में, तो उसको बोलते हैं आनंद कारज। ठीक, तो श्री गुरु अमरदास जी ने ये शुरू किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो वो हुआ था एटा, पहले कासगंज बोलते थे इसको। ठीक है, कासगंज से बाद में एटा, ये जो पटियाली साइड में हुआ था, पटियाली। ठीक है, अब वो एटा, एटा के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर रहनी चाहिए। तो अमीर खुसरो जी का जन्म। नाउ आगे बात कर लेते हैं मंगोलिया की मुद्रा। देखो हमारे भारत की करेंसी क्या है, रुपया। ठीक है, तो अगर हम मंगोलिया जाएंगे तो हम वहाँ पे रुपया थोड़ी ना दिखाएंगे, तो हमें वहाँ की करेंसी पहली बात तो पता होनी चाहिए, हमें मोस्टली देशों की करेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देशों की कुछ की तो यूरो है ना, कुछ की डॉलर है, उनके देश का नाम लग गया और फिर डॉलर लग गया, है ना, तो यूरो डॉलर, तो ये इसकी आपको याद रखनी चाहिए, वरना फिर मैं इसकी वीडियो भी लाऊंगा, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में अब ये पूछते हैं, तो इसकी पूरी वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ, तोगरोग जो है वो मंगोलिया की करेंसी है, ये आप देख सकते हैं तोगरोग। नाउ आगे बात करते हैं, खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत है, तो ये विटामिन सी के हैं, है ना, और इसके 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 आपको तीनों के इनके बताने हैं कमेंट बॉक्स में, कि इनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं। ठीक है, छोटे मोटी क्लासों की बात है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। नोबेल पुरस्कार ये काफी ट्रेंडिंग में रहता है, हमारे भारत में भी कई लोगों को मिला है ये। ठीक, तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो हमें पहली बात ये पता रहना चाहिए कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहले हालांकि 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, तो ये देखो 1901 से ये शुरुआत हुई थी इसकी नोबेल प्राइज की, तो ये पहले दिया जाता था फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, और लिटरेचर में, लिटरेचर एंड पीस में। ठीक है, तो फिर एक मेमोरियल प्राइज और बना इकोनॉमिक साइंसेज में, अब इकोनॉमी में भी दिया जाता है ये। ठीक है, 1968 से शुरुआत हो गई थी इकोनॉमी में भी, अब टोटल 6 दिए जाते हैं, मतलब 6 फील्ड में दिया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, मार्क जुगरबर्ग, अक्सर आपने नाम सुना होगा, अब फेसबुक का नाम पता है क्या हो गया है, मेटा, मेटा नाम हो गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। ठीक, मार्क जुकरबर्ग ने और उनके कुछ साथी थे, उन्होंने किया था। ठीक, तो ये देखो ये मार्क जुकरबर्ग हैं और इनके ये दो साथी हैं, और 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बखीरा पक्षी विहार पक्षियों के संरक्षण के लिए, पक्षियों के संरक्षण के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, अब ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं और कौन से कहाँ हैं, ये जानकारी होनी चाहिए ना, तो संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार, अभी ये रामसर साइट भी, रामसर साइट भी, इसका रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है बखीरा पक्षी विहार को। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं, किस शासन काल में, शासन काल होगा यहाँ पे, ठीक है, तो स्थाई बंदोबस्त आरंभ किया गया था, तो ये कार्न वालिस का जो जब शासन चल रहा था तब हुआ था स्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तो इसमें ये
जो जमींदार थे उनसे बोलते थे कि आपको जो भी जो खेती कर रहे हैं किसान उनसे कुछ लगान लेनी है और हमें देनी है, राजस्व में देनी है, ये सब था। ठीक है चलिए। हालांकि ये जो स्थायी बंदोबस्त पूरी तरह से काम नहीं किया था, फिर महलवाड़ी आया था, रैयतवाड़ी आया था, ये सब आए थे ठीक है, लेकिन अकाउंट वालिस के टाइम पर ये हुआ था शुरू। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? अच्छा, हमें आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए कि कौन सी पार्टी नेशनल है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, वरना पार्टियां तो बहुत सारी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी हैं ये तो हमें याद रखना चाहिए ही। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, अभी केंद्र में शासन चल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है ठीक, और बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, समाजवादी पार्टी इज नॉट अ नेशनल पार्टी। ठीक है, तो नेशनल पार्टीज हैं कितनी, तो वो है टोटल 7, तो ये रही आपके सामने। ठीक, तो ये है टोटल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये मार्क्सिस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो ये टोटल 7 पार्टीज हैं। ठीक चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जांच किसी बच्चे के पिता होने का निर्धारण करती है? तो वो करती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये चोर वगैरह पकड़ने के लिए भी, जैसे चोर अपराध अपराधी इनको पकड़ने के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, तो ये याद रखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज मोस्ट क्रूशियल, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये बच्चे के पिता का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप तो बच्चों का पूरी फैमिली में अलग अलग होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है सबका सेम हो। ठीक चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? वो किया था 1939 में, तो इसका हेडक्वार्टर है बंगाल में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बंगाल में है, और इसका जो चिन्ह है वो ये है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका गठन किया था। आगे बात करेंगे, बिरजू महाराज जी इनका हाल ही में जनवरी में निधन हुआ है, तो किस शास्त्रीय नृत्य, मतलब क्लासिकल डांस जो है से संबंधित थे, तो ये थे कथक से। ये रे बिरजू महाराज जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, ये बताइए मुझे, कुचिपुड़ी किस राज्य का है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ये सब शास्त्रीय नृत्य, भाई ये इंपॉर्टेंट है, भारत के कल्चर में आते हैं, हमारी संस्कृति में आते हैं, तो ये मतलब किस राज्य में किस तरह की नृत्य कलाएं हैं और म्यूजिक किस टाइप का है, तो ये चीज हमारे कल्चर में आती है। तो जिस जिस देश में हम रह रहे हैं, तो उस पहले तो हमें तो उस जिस राज्य में रह रहे हैं उसके नृत्य वगैरह, उसकी कला, और उसमें कौन कौन से वो हैं मॉन्यूमेंट्स और उसका इतिहास, ये सब जानना जरूरी है। बस यही तो पूछते हैं एग्जाम्स में। अब ये देखो, ये है, ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कथक उत्तर प्रदेश का है ना, ये उत्तर प्रदेश का है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कुचिपुड़ी कहाँ का है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये चीजें हमें नॉर्मल जाननी चाहिए एग्जाम में, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछ लिया, रॉकेट साइंस पूछ ली, कुछ नहीं, बस ऐसी छोटी मोटी चीजें पूछ ली है जो एक नागरिक को आनी चाहिए। अच्छा आगे, राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश जो देते हैं वो राज्यपाल देते हैं। ठीक है, और लोकसभा के लिए कौन देंगे, फिर राष्ट्रपति देंगे। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो वो होता है +4 डिग्री सेल्सियस में। किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो हाल ही में इनॉग्रेशन उसका हुआ है, तो वो है तेलंगाना में। अच्छा, ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी और ये लिबर्टी क्या होते हैं ये, चलिए इनको जान लेते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये देखिए, न्यूयॉर्क में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये लिबर्टी वाली है, लिबर्टी। ठीक, और ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, और ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा, ये गुजरात में है, ये तेलंगाना में है, और ये न्यूयॉर्क में है। ठीक, तो ये तीनों अच्छे से अब आप याद कर लें। ठीक, तो ये तेलंगाना में इक्वालिटी वाली है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाउ, किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो ये किसको नहीं पता, मोस्टली जहांगीर चित्रकारी पर ज्यादा बल देते थे। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। जीएसटी
बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? वो है असम। तो जीएसटी जब शुरुआत हुई थी उसकी, है ना, तो वो सबसे पहले किस राज्य ने पारित किया? तो वो असम ने पारित किया था। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में ये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनकी आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक नीचे दे रखा होगा, और वरना ये देखोगे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नर्ड के नाम से है, वो आप देखेंगे सर्च करके और आप कर लेंगे। ठीक है, और जो आपको कैपिटल्स याद रखनी है वो यहाँ पर आई बटन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी और कुछ देखो, अगर जैसे मैंने संविधान की बात करी, तो भाई संविधान में क्या सब कैसे है, तो वो तो हमें नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए ना। अब देखो ये बिरजू महाराज हैं, ये हमारा जो कल्चर किस टाइप का है, कौन कौन से नृत्य हैं, तो नृत्यकार कौन कौन से अच्छे हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें पूछी जाती है ना जनरल नॉलेज में। और नॉर्मल साइंस आपको पता होनी चाहिए, बस यही पूछा जाता है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।